हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव। और दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, ये डिफेंस स्टॉक्स की ऐसी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले समय से परफॉर्म किया है और आने वाले समय में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह, जिस रेट पर अवेलेबल है और जिस तरह से इसकी वैल्यू है माई डियर फ्रेंड्स, वो हमेशा मुझे आकर्षित करती है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि BEL के नाम से आपको स्टॉक में मिल जाएगी, तो ये कंपनी करती क्या है भाई? सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक नवरत्न कंपनी है, नंबर एक, ठीक है जी। फिर जब बातचीत की जाएगी बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम की, बातचीत की जाएगी आर्मी को कई सारे सिस्टम्स सप्लाई करने की, एयरफोर्स को कई सारे सिस्टम सप्लाई करने की, नेवी को कई सारे सिस्टम सप्लाई करने की, तो इस कंपनी का नाम बहुत ही ऊपर वाले दर्जे पर आता है, राइट। तो मेक इन इंडिया जो है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। आकाश मिसाइल सिस्टम्स में इसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, बोल्स्ट इट। इसके अलावा जो है, अगर आप एयर डिफेंस कंट्रोल की बात करो, उसके अंदर इसके रडार्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन्स जो हैं, वी पैट हैं। उसके अलावा जो हमारे ये लोकल ये रडार होते हैं कि कहाँ कहाँ वेपन है, कहाँ कहाँ हमारा दुश्मन है, वो रडार जो है उसको वहीं से जो है ट्रैक कर लेता है। तो ये रडार जो है या तो एक जगह फिक्स्ड हो, लेकिन ये क्या किया इन्होंने, इन्होंने उन सारे के सारे रडार्स को लगा दिया है बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर, जो कि मिलिट्री के ट्रक्स होते हैं। तो कहीं पर भी ले जाएंगे आप, तो वहां से जो है वो जो रडार सिस्टम है वो उसको ट्रैक कर लेता है। सो बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा जो आपने देखे होंगे कि कई सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो आर्मी करती है और उसके लिए नाइट विजन की ज़रूरत पड़ती है, रात को जाते हैं, रात को जो है टेररिस्ट का खात्मा करके आते हैं, तो भैया उसके लिए नाइट विजन के बहुत सारे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ये वो भी बनाती है, ठीक है। और बहुत सारे डिफिकल्ट टेरेन है, जैसे कि लद्दाख साइड अगर आप देखोगे तो वहां पर लो लेवल लाइट हाई वेट रडार होते हैं, बहुत रडार हैवी होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो तो लाइट वेट आपको चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जो है इंडियन नेवी को भी ये लाइनक्स UX गन फायर कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी काम कर रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसके नंबर्स भी अच्छे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसने हमेशा आप देखोगे कि बढ़ते हुए क्रम में ही आपको ये दिखाई देगी। और ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी इसकी हाइएस्ट सेल्स है, और आप देख सकते हैं हाइएस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाइएस्ट ही इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हाईएस्ट इसका नेट प्रॉफिट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेहतरीन तरीके से कंपनी काम करती है, बढ़िया डिविडेंड पे करती है, परसेंटेज इसकी अच्छी है डिविडेंड पे करने की। सो अगर हम बातचीत करें बैलेंस शीट की, तो बहुत ही बढ़िया रिजर्व्स का आपको लेवल नज़र आता है, जीरो डेट कंपनी है, बोरिंग्स इसने नहीं ली हुई, तो इंटरेस्ट का कोई इस पर एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट सीधी एसेट्स में और अपनी इन्वेंट्री में करती है, राइट। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इन्वेस्टमेंट में लगाया गया है, इन्वेस्टिंग आइटम्स में लगाया गया है, तो जो पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है वो इन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगाया। और फाइनेंसिंग में कहीं देखोगे आप, तो आप कहीं पर भी नहीं पाओगे कि इसने कहीं ना कहीं कोई लोन की पेमेंट की है। देखिए, ना बोरोइंग्स की कोई प्रोसीड है, जीरो, और यहां पर रीपेमेंट भी फिर इसीलिए जीरो। मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में लगाया। तो देखा जाए तो इस बार का अगर ये नेगेटिव कैश फ्लो है तो उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो क्योंकि प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आपको यहां पर नजर आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री हो गए। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी किसी कंपनी के अंदर शेयर्स होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है। तो 51% है, इसीलिए गवर्नमेंट का इसके अंदर कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और FIIs, DIIs सब ने इसमें जम जम के पैसा लगाया हुआ भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कि हम हमेशा देखते हैं ROE, ROCE, नवरत्न कंपनी जिसका ROE 20% से ज़्यादा है, ROCE 25% से ज़्यादा है, माई डियर फ्रेंड्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसका करंट प्राइस इस वक्त 105 रुपये चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि हम इसे कई सालों से ट्रैक कर रहे हैं, और ये शेयर एक ऐसा ज़बरदस्त शेयर है जो हमेशा अपना
रिजल्ट दिखा के जाता है। तो आइए अब इसका चार्ट देख लेते हैं। और मैं इस दौरान ही क्यों आया हूँ चार्ट लेकर के, मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ नज़र आई है कि पिछले कुछ दिनों में अगर मैं बात करूँ मार्च के एंड में ये ह्यूज जो आपको ये वॉल्यूम के नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत तगड़ी बाइंग हुई है। DIIs, FIIs ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर माल खरीदा, इसी कारण से ये जो रेट है अब ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारी ये EMAs हैं, ये आप देख रहे हो 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज की जो लाइन्स हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर कंसोलिडेट होती चली जा रही है। और इसीलिए यहाँ से मेरा जो अब मानना है वो ये कि अब ये शेयर और ऊपर जाएगा, अपने हाइज को तोड़ता हुआ निकल जाएगा। आने वाला एक साल इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे पहला जो इसका टारगेट है वो है इस हाई को अचीव करना। 113 रुपये आने में कोई देर नहीं लगने वाली, 106 का रेट पहले ही आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये शेयर आपको आने वाले 15 से 18 महीने में, मैं 1.5 साल बोल रहा हूँ, आप 2 साल मान लीजिए, ठीक है, 1.5 से 2 साल में यहीं से आपको ये शेयर बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आने वाले 12 महीने में मेरा जो इसको लेकर टारगेट है वो सुन लीजिए, आने वाले 12 मंथ्स में आपको 33% इसने देना ही देना है। आज डेट डाल लीजिए, आज से 1 साल में आपको ये शेयर 140 रुपये नजर आ जाएगा। 1 साल का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 33% का इसमें राइज है। और 2 साल का जो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इनफैक्ट 18 महीने का टाइम दे रहा हूं, 6 महीने और ऐड कर लीजिए उसमें, तो 1 साल के अंदर ये 33%, ठीक है जी। और अगले 1 साल में मान लीजिए कि ये शेयर और आगे बढ़ता हुआ, मतलब आज के रेट से 50% ऊपर होगा, यानी 106 रुपये का अगर ये रेट है तो आने वाले 2 साल में 50% का रिटर्न मिलना इसमें तय नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइज्ड है इस वक्त, ठीक है। यानी ये शेयर आपको यहाँ से जो 50% का यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कितने टाइम में, 1.5 साल में, ठीक है ना। 1.5 साल में यहाँ से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर यहाँ से 53 रुपये भी ऊपर गया तो 160 के आसपास आएगा, 165 के आसपास, ठीक है ना, 165 के आसपास आ जाएगा। तो 160-165 का लक्ष्य आप लेकर चल सकते हैं 1.5 साल में, 1.5 से 2 साल में। तो यहाँ से अगर 50-55% का राइज आपको मिलता है, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट 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 रिटर्न। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले तो एक लगाइए, एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो मैंने लगाई है, देखिए अब आप, मैंने 165 रुपये जो बोला और वहीं पर ये लाइन आ रही है, देख रहे हो आप, ये लाइन वहीं पर कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये समझ लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट इसको लगातार मिलता चला जाएगा, लेकिन जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर ही रेखा में चलता चला जाएगा, यहाँ से ऊपर जाके एक बार 113 से टकरा के हो सकता है फिर नीचे जाए फिर ऊपर जाए, क्योंकि इसने एक बहुत ही शानदार ट्रायंगल बनाना है, असेंडिंग ट्रायंगल बनाते हुए ये ऊपर जाएगा शेयर, और आपको 1.5 से 2 साल में 50-55% का रिटर्न मिलेगा, 165 रुपये पर पहुँच जाएगा, राइट। बेल अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। मैं आपको और बातें बता दूं कि जब से हमारे देश ने अब ये ठान लिया है कि हम डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस तरह के सिस्टम्स को लेना चाहती हैं, जो कि थोड़े मार्केट से रेट से सस्ते भी हों और वही सेम चीज़ जो है वही सेम लेवल की क्वालिटी हो, और इंडिया उसके अंदर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ के साथ हमारे पैक्ट हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं इसके लिए कि हम उनको उनके डिफेंस के लिए और हथियार वगैरह ये सब सप्लाई करेंगे, तो उनमें बेल कंपनी का भी नाम ज़रूर आया है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए बेल जो है आप इस पर ध्यान रखिएगा। मेरे तो अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर लगातार बना हुआ है बहुत लंबे समय से, ठीक है ना, बहुत लंबे समय से। और मैं आपको बता दूं कि आपने भी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह के बिना बिल्कुल मत कीजिएगा, जरूर सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मेरे साथ यहां सीखते रहिए, क्योंकि ये जो मैं आपको चार्ट की टेक्निक्स बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जबरदस्त तरीके से फी होती है इन चीजों को सीखने की, ठीक है ना। और
मैं आपको यहां पर देखा जाए तो वो सब चीजें काफी सारी फ्री भी करवा रहा हूं, लेकिन जो लोग बिल्कुल राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं और साइकोलॉजी को सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की, साथ में फंडामेंटल्स को सीखना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा एक 52 वीक स्ट्रेटजी का पूरा कोर्स है जो कि मैं लॉन्च करने वाला हूं। ऑलरेडी हमारे पास जो बहुत सारी क्लासेस हैं उसके अंदर आप आ सकते हैं और जो हमारा कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। उस कोर्स के अंदर जब आप आएंगे तो आप एक मेंबरशिप लेते हुए आएंगे, उस मेंबरशिप के अंदर आपकी 52 वीक की स्ट्रेटजी होगी, 52 वीक्स हमारे साथ रहेंगे आप और हम वहां पर बहुत सारे लगभग 1000 शेयर्स का 1000 नंबर ऑफ शेयर्स की बात बता रहा हूं एनालिसिस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और वो सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिक से सिखाई जाएंगी। तो जो लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हों, मेरे साथ मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हों, माय डियर फ्रेंड्स मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल करें, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। YouTube पर बस सुधीर सचदेवा डालना है, मेरे YouTube चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने आने वाले समय को, भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स इसी शुभकामना के साथ आज का सेशन यहीं पर करता हूँ समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।